नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कभी एक वक्त हुआ करता था जब मध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। साल बीतते चले गए लेकिन कांग्रेस की जमीन खिसकती चली गई, बीजेपी मध्य प्रदेश में मजबूत होती चली गई। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 में से 27 सीटें मिली थी, तो वहीं 2019 में 29 सीटों में से 28 सीटें मिली थी। बची एक सीट थी छिंदवाड़ा। जब जिक्र छिंदवाड़ा का होता है तो जिक्र कमलनाथ का होता है। छिंदवाड़ा की मौजूदा सियासी हालत क्या कहते हैं, आज अग्नि परीक्षा की घड़ी में हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं और इन सब के बीच कमलनाथ का एक बयान काफी वायरल हो रहा है और इस वायरल होते वीडियो को उनका विदाई भाषण भी बताया जा रहा है, जिसमें कमलनाथ हताश नजर आ रहे हैं। जनता के सामने भावुक होते हुए उनका कहना है, अगर जनता उन्हें विदा करना चाहती है तो वो तैयार है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पर काबिज कांग्रेस वहां से भी बैकफुट पर नजर आ रही है और क्या अब कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट बचाने में असमर्थ है या फिर क्या है और ऐसा क्यों? अग्नि परीक्षा में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कांग्रेस अपना गढ़ मानती आई है और इसकी बड़ी वजह कमलनाथ है, जिनका छिंदवाड़ा की सीट पर अच्छा खासा वोट बैंक रहा है। लेकिन शायद कमलनाथ अब जनता के बीच अपना विश्वास खोते नजर आ रहे हैं। यही वजह है जिस छिंदवाड़ा में कमलनाथ कभी गरजते नजर आते थे, अब उसी छिंदवाड़ा में चुनावी जनसभा के दौरान कमलनाथ भावुक नजर आ रहे हैं और खुद के विदा होने की बात तक कह रहे हैं। सबसे पहले कमलनाथ का वो बयान सुनिए जहां वो भावुक नजर आ रहे हैं। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया, चाहे कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा। तो सुना आपने कैसे कमलनाथ बीजेपी के सामने खुद को सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सामने इसलिए क्योंकि कमलनाथ जनता से खुद ये कहते नजर आए कि बीजेपी आक्रामक प्रचार कर रही है और उससे जनता को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रामक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। आम जनता को आपको समझाना, किसी की इंतजार मत करिएगा कि इसने मुझे बोला नहीं काम करने, ये तो आपको खुद करना है। 6 हफ्ते की एक तरफ कमलनाथ का यह बयान सामने आया, दूसरी तरफ बीजेपी ने कमलनाथ के इन बयानों पर तंज कसा। बीजेपी कह रही है कमलनाथ हार मान चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कमलनाथ केवल जनता से राय ले रहे थे। विदाई तो उनकी मध्य प्रदेश की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनावों में ही तय कर दी, अब तो वे जबरदस्ती जनता पर थोपे रहना चाहते हैं। कमलनाथ जी जानते हैं कि इस बार वे छिंदवाड़ा सीट हार रहे हैं, तो इसको सबसे पहले तो उनकी हार की आधिकारिक स्वीकारोक्ति भी समझना चाहिए और जो दिख रहा है उनको वो उनके मन के भाव में प्रकट हो रहा है। छिंदवाड़ा जो है कांग्रेस की सीट है और लंबे अंतराल में, कई दशक में कमलनाथ जी ने वहाँ बहुत विकास के काम किए हैं। छिंदवाड़ा मॉडल जो है एक्सेप्ट किया गया है प्रदेश में, देश में, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है। ये तो सिगुफे है, भारतीय जनता पार्टी अपने अपने तरीके से जो है प्रोपेगेंडा फैला रही है। हार मान रहे हैं कमलनाथ चुनाव से पहले, बीजेपी के कहने से क्या होता है। एक तरफ कमलनाथ का भाषण कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, दूसरी तरफ स्पष्टीकरण का दौर भी शुरू हो गया है। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में स्पष्ट किया वो कहीं नहीं जा रहे हैं। चालीस साल पहले बना था, मेरे ऊपर जिम्मेदारी जिले के 2000 गांव, 90 गांव की 2000 गांव की जिम्मेदारी। अगर मैं भोपाल में कहता था हम छिंदवाड़ा से हैं, कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा कहाँ है, अच्छा वो नागपुर वाला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की कोई पहचान नहीं थी, याद है आपको, कोई छिंदवाड़ा का नाम नहीं जानता था। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। आप देश में कहीं भी जाएं, किसी जिले में जाएं, बोले हम छिंदवाड़ा से आए हैं, आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा से आए। एक डेढ़ महीने में
लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं। मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। जी हाँ, कमलनाथ पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि एक वो दौर था जब छिंदवाड़ा की क्या स्थिति थी और आज के माहौल में किस तरह से छिंदवाड़ा बदल चुका है, विकास की राह पर चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस में विदाई भाषण दिए जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। अब माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई और हाई प्रोफाइल सीटों के उम्मीदवारों का नाम इसी पहली लिस्ट में हो सकता है। इसके अलावा इस लिस्ट में उन सीटों का नाम होगा जहां बीजेपी 2019 में हारी भी थी। अब बीजेपी की कोशिश यह है वक्त रहते इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए जिससे उन्हें प्रचार के लिए ज्यादा वक्त मिल जाए। दिल्ली में चल रही बीजेपी की बैठक के बारे में भी जरा विश्लेषण कर लेते हैं। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव की तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक चल रही है जिसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कल पहली लिस्ट आ सकती है। इस पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों के फाइनल होने की उम्मीद है। बैठक में बीजेपी 2014 और 2019 में हारे हुई सीटों पर फोकस कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है बीजेपी की पहली लिस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई है। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। हर सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। सीट वाइज उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अगर किसी सीट पर खास फोकस है तो वो है छिंदवाड़ा। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 2014 के मुकाबले 2019 में कांग्रेस को वहां पर कम वोट मिले थे। 24 में क्या होगा? कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी कुछ हद तक कामयाब होती नजर भी आई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छिंदवाड़ा में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। छिंदवाड़ा का सीट वार वोट प्रतिशत क्या संकेत दे रहा है आने वाले वक्त के लिए, उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जुन्नार देव की बात करें तो यहां 2018 में जहां बीजेपी को 33% वोट मिले थे तो वहीं अब 2023 में 42% वोट मिले। अमरवाड़ा की बात करें तो यहां साल 2018 में बीजेपी को 25% वोट मिले थे, साल 2023 में पार्टी को 37% वोट मिले। इसी तरह सौंसर में जहां 2018 में 39% वोट मिले, 2023 में यह आंकड़ा बढ़ गया 44%। परासिया सीट की बात करें तो यहां 2018 में बीजेपी को 41% वोट मिले, 2023 में 46% वोट मिले। वहीं बात पांडुड़ा सीट की करें, बीजेपी को यहां 2018 में 35% वोट मिले थे, 2023 में 43% वोट मिले। मतलब बिल्कुल साफ है कि छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं जनता ने अब बीजेपी का और रुख किया है। लेकिन क्या जिस तरह से बीजेपी की तरफ जनता मुड़ रही है, जीत में तब्दील हो पाएगी स्थितियां? क्या कहते हैं मौजूदा परिस्थितियां और आंकड़े? जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा। प्रमोद, जब जिक्र होता है छिंदवाड़ा का, नाम सामने आता है कमलनाथ का, लेकिन आजकल जरा भावुक हो रहे हैं। क्या वो परेशान हैं, हताश हैं या विश्वास बढ़ गया है? क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट? दिव्यांश, आप मध्य प्रदेश की सियासी सूरत को और सीरत को बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन एक ट्वीट मैं दिग्विजय सिंह का देख रहा था। ये देखिए 7:15 के आसपास का है और नकुलनाथ ने जो छिंदवाड़ा में बयान दिया है, उस उनके उस बयान वाला जो उन्होंने ट्वीट किया है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला है, उस पर दिग्विजय सिंह क्या लिख रहे हैं, फिर मैं आपके सवाल के जवाब में आऊंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है।
दिग्विजय सिंह ने लिखा है, धन्यवाद नकुल नाथ, आपने सही कहा, भाजपा झूठी अफवाहें फैलाने में माहिर है। आपने इन अफवाहों को समाप्त कर बहुत अच्छा किया। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में मायूसी थी जो आज समाप्त हो गई और हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ये कौन लिख रहा है? दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं। नकुल नाथ को अपनी सफाई देने में कितना वक्त लग गया? ये सब कुछ साफ है। बायो से क्यों कांग्रेस पार्टी को विदा किया? किसने किया? सवाल का जवाब मीडिया पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बायो से विदा तो आप हटा कर रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा ने किया, बाकी और नेताओं ने किया। एकदम से जय श्री राम की शरण में चले जाना, वही एक दो तीन दिन में ही क्यों याद आया? और ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी पर ही दबाव है ईडी का और बाकी और जांच एजेंसियों का। तो क्या बातचीत नहीं हो रही थी तब? और हो रही थी तो वो बात ये अब रखनी थी या फिर ईडी का हवाला क्यों देना था? देखिए आग तो लगी थी लेकिन और दिल तो देखिए दुख रहे थे, लेकिन वो बात अलग है कि कहीं जुड़ ना पाए और जहां है वहीं अभी इस वक्त भी धड़क रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है वो कुछ सब कुछ साफ नजर आ रहा है। आपस में आपस वाला गेम चल रहा है और इस गेम में दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय खुद कांग्रेस पार्टी यदि मंथन करे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। सिवाय दूसरों, देखिए दूसरों पर एक उंगली उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि 50 उंगलियां उन पर खुद पर उठती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए अब जो 2024 की लड़ाई की बात कर रहे हैं लेकिन जीतने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसे समय में विधायक की क्यों हो रही है? विधायक की तो बात ही नहीं होना चाहिए थी। कमलनाथ पहली बार दिल्ली पहुंचे, मुझे वो स्टेटमेंट याद है पूर्व सीएम कमलनाथ का जिसमें उन्होंने कहा ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। साफ तभी कहते थे मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, कांग्रेस पार्टी में मैं था और कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। खुद के बयानों से बवाल मचा, खुद ने खुद के समर्थकों ने बायो बदल दिए और बीजेपी के नेता, मुझे याद है कैलाश विजयवर्गीय ने तो बहुत पहले कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके दरवाजे बंद हैं और जी मीडिया ने, जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और नाराजगी इस हद तक थी कि सज्जन सिंह वर्मा ने तो खुल के कहा हाँ नाराज है, नाराजगी अब ठीक कर ली गई है, यानी नाराज तो थे ना। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी कलह से जूझ रही है और दूसरों पर उंगली उठाने वालों पर चार उंगली खुद उठती नजर आ रही है। सवाल यह है क्या छिंदवाड़ा में अच्छी स्थिति नहीं है? एक तरफ नकुल नाथ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भाजपा फैला रही है, और दूसरी तरफ विधायक की बात कौन कह रहा है? कमलनाथ कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ऐसा कुछ चल रहा था, कनेक्शन तो थे बीजेपी से, यह सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन बात नहीं बन पाई और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भाग गए कि कमलनाथ के जाने से एमपी कांग्रेस जो वेंटिलेटर पर है वो फिर से बूस्ट नहीं कर पाएगी मध्य प्रदेश में, इसलिए कमलनाथ को मनाया गया कांग्रेस पार्टी ताकि कम बैक कर सके। लेकिन देखिए जिस तरीके से बीजेपी 29 पर फोकस कर रही है लोकसभा सीट पर, कांग्रेस पार्टी के नेता जान गए कि ये राह आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर 24 की इस लड़ाई की बेला में विदाई की बात ने मध्य प्रदेश में एक सियासी नए बवाल को जन्म दे दिया है और दिग्गज नेता यदि विदाई की बात कह रहे हैं कमलनाथ जैसे, आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर उनके पास छिंदवाड़ा या बाकी जगह की क्या रिपोर्ट होगी। ठीक है प्रमोद, छिंदवाड़ा, कमलनाथ और कांग्रेस कितने दूर कितने पास, हमने पूरा विश्लेषण किया, हर परिस्थिति से जनता को वाकिफ कराया। अब किसके बयान में पारदर्शिता है, किसके बयान में सियासत है और कौन कंफ्यूज है, जनता खुद तय करे। प्रमोद जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यहां वक्त है ब्रेक का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।